मैं गुरु चरणन की ओर। तो गुरु मूर्ति मुख चंद्रमान सेवक नैन चकोर। ए जी अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। गुरु के चरणों की ओर क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे न गुरु बिन मिले न मोक्ष। ऐज गुरु बिन लखे कोई सत्य को तो गुरु बिन मिटे न दोष। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कितना? ऐज सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा नहीं कोई। अरे करता तो कछु कर न सके पर गुरु करे सो होई। पर ये तब संभव होगा जब गुरु की बात को उनके इशारों को हम अपने ऊपर घटित करके देख लें। तब हमारी भी अटपट और खटपट यानी जितनी भी ड्वेलिटी है जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है हमारे इधर भरा हुआ वो निकलेगा। So when we actualize in ourselves the teachings of the Guru, then all of these dualities that we have in ourselves will go, will dissolve. और गुरु, गुरु कोई विशेष आप सब भी गुरु हैं। The Guru is not something you know special. We are all gurus. गुरु का मतलब होता है पहुंचना। The meaning of guru is to reach. कहाँ पर? Where? इधर। Here. या यहाँ पर आप सब। तो इसलिए ये जो गुरु नाम है गम्य का और शिष्य सीख ले सोई। अरे बिन पद बिन मर जाद नर और गुरु शिष्य नहीं कोई। तो आग लगी आकाश में न जल जल पड़े अंगार। यदि संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। इस मानव समाज के अंदर पूरी दुनिया में एक कटुता की ड्वेलिटी की रंगों की जातियों की संप्रदायों की धर्मों की अंगार बरसती है जिससे इंसान बाहर भी जल रहा है और भीतर भी जल रहा है। तो उस बाहर की जलन और भीतर की जलन को संतों ने किस तरह से शांत करने का किस तरह से उसको शीतल करने का काम किया ये संतों की वाणी में है। सो द वर्ल्ड इज कंप्लीटली अंडर द प्रेशर ऑफ ऑल ऑफ दीज ड्यूअलिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ कास्ट रिलीजन दिस दैट एंड द अदर। And so in the Santon ki Vani, in the voice of the saints, they have shown us both, like he said before, both externally and internally, how to, we are all in fire on, you know, we're all burning from that, from those differences. And the sons have shown us how to deal with that and calm it, to make it pure. इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी संत द्वारे आयारी जोड़िया दोनों हाथ यानी हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं आप सबको और शुरू करते हैं। अरे संत द्वारे आयरी जोड़ दोनों हाथ
बार सतगुरु द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ यदि जोड़ा दोनों हाथ सकीरी करु ज्ञान केरी बात संत द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ जोड़ा दोनों हाथ सकीरी करूं ज्ञान करी बात संत द्वार में आया री जोड़ा दोनों हाथ अरे सतगुरु आया शब्द सुनाया निज मन हो गया हाथ हाँ सतगुरु आया न शब्द सुनाया निज मन हो गया हाथ यदि सत शब्द की सेन बताई माला जपू दिन रात संत द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ अरे सतगुरु द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ अरे जाके सतगुरु सदा साथ है वाको नहीं कोई घात अरे जाके सतगुरु सदा साथ है वाको नहीं कोई घात ए निज भक्ति को बीज रोप्यो राल्यो संत को खाट संत द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ अरे सतगुरु द्वारे आया री जोड़ा दोनों हाथ अरे सतगुरु द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ कुकर्मों की जात बनाई ईश्वर की नहीं जात हर पांचों चोर पकड़ बस की ना सतगुरु मारी हिलात हाँ पांचों चोर पकड़ बस की ना गुरु मारी लात यदि कुकर्मों की जात बनाई ईश्वर की नहीं जात संत द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ सतगुरु द्वारे आया री जोड़ा दोनों हाथ अरे साहेब कबीर मोय समर्थ मिल गया नोत जी माया भात अरे साहिब कबीर मोय समरथ मिल गया नोत जी माया भात ए सब जीवों पर कृपा की नी मिल गई दीना नाथ संत द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ ओ सतगुरु द्वारे आया री जोड़ा दोनों हाथ सब द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ सतगुरु द्वारे में आया री जोड़ा दोनों हाथ कहते हैं कि ईश्वर की नहीं जात वो ये कहते हैं पांचों चोर पकड़ बस की ना सतगुरु मारी लात और कुकर्मों की जात बनाई ईश्वर की नहीं जात ये सदगुरु कबीर कहते हैं तो सदगुरु आजकल तो हमारे जैसे लोग भी सदगुरु लिखने लग गए सदगुरु वो है जो मिटता नहीं
सदगुरु वो है जो करता नहीं, सदगुरु वो है जो उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और सदगुरु वो है जो जिसका सबके ऊपर एक समान दृष्टि और एक समान भाव हो। The Sadguru cannot be erased. The Sadguru, cannot be divided. I'm sorry, I lost the last. Yes. And the Sadguru's view is equal for everyone. There's no differentiation for the Sadguru. कबीर एक जगह पर कहते हैं कि सदगुरु तो सत भाव है, यानी हमारे अंतर के जो भाव है वो सबके लिए सत्य हो, सबके लिए एक जैसा हो। सदगुरु का भाव सबके लिए एक जैसा होता है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए अच्छा और दूसरे के लिए बुरा हो, या जो उनके पास जाता है उसके लिए अच्छा और दूसरे के लिए नहीं। So the Sadguru has the same, is equanimous towards everyone, and it's not that okay, somebody who comes to him or her is favored. There's no such favoring. All is the same. और वो कहाँ पर है? And where is it? वो सबके अंदर है। हम सब के अंदर जो चलाता है, इन एवरीवन, हम सबको जो सृजित करता है, हम सब पूरी ह्यूमैनिटी को जो बराबर स्थिति में जिंदा रखता है, वो सदगुरु है। सदगुरु इज दैट व्हिच कीप्स अस अलाइव। सदगुरु शरीर का नाम नहीं है, शरीर का अंग नहीं है, नाम नहीं है। हाँ, माने पिंड जो है वो सदगुरु नहीं है। The body is not the Sadguru. परंतु बॉडी को चलाने वाला सदगुरु है। But the one who makes the body go is the Sadguru. तो और उसके कोई जाति नहीं है। Doesn't have any caste. अब वो क्या है? And what is it? इसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं। The breath. वो है हमारा सद्गुरु। The breath is our sadguru. Your breath is your sadguru, not body is your sadguru. इसलिए इसको ध्यान रखो, जो इसको ध्यान रखता वो योगी है, जो इसको ध्यान रखता वो भोगी भी है, जो इसका ध्यान रखता है वो ये जानता है कि सब के अंदर वो एक ही श्वास है। एक तरह से श्वास में फर्क नहीं है, चाहे वो बच्ची की हो, चाहे इनकी हो, चाहे उनकी हो, चाहे किसी की भी हो। There is no difference in the breath, whether it's for a child, whether it's for an adult. There is absolutely no difference. The breath is the same for everyone. और इसका जो एहसास करवाता है, वो है गुरु। And the one who enables us to realize this is the guru. और वो हमारे कर्म को और हमारे भ्रम को दूर करता है। So the guru takes away our karam and bharam. So karam is our deeds and illusion. Lovely. Deeds and illusion. तो इसलिए देखिए एक भजन ऐसा सुना देता हूँ कि गुरु वो है जो हमारे भ्रम को, नासमझी को, हमारी ड्वेलिटी को, हमारी जो हमारा जो कचरा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको दूर करता है। So all that garbage that we have in our brains, you know, the guru takes that away. हमने garbage बहुत भर रखा है इधर। We have a lot of garbage stuffed in there. इसलिए पहले इसमें जो भरा है उसको निकाल दें। So that's why first of all, whatever is that, all that stuff that we have stuffed inside, we have to remove it. इसलिए एक जगह पर कबीर कहते हैं कि भरा हो सो रीतई, माने जो भरी चीज है उसको खाली करना पड़ेगा। भरा हो सो रीत ही, और रीता हो भरा है, जो खाली उसको भरते भी हैं। सो दैट इज नो एक्सपीरियंस, ये अनुभव नहीं है। भरा हो सो रीत ही, और रीता हो भरा है, और रीता भरा न जानिए, अनुभव सोई कहा है, ऐसा कहा। यानी वहां पर ना तो भरा हुआ है और ना खाली है, ये अनुभव होने के बाद ही हम जान सकते हैं। When it's neither full nor empty, one has to experience that. इसलिए एक पद है
जिसमें वो कहते हैं कि हमें इसका एहसास कैसे करें या इसको क्या कहते हैं। आप तो चूंकि सब साधक हैं, योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, समाधि भी लगाते होंगे और पता नहीं कुंडलिनी जागरण करते हैं और सब खूब करते हैं, बहुत अच्छी बातें करिए नहीं, परंतु ये सब करने के बाद में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ एहसास हुआ कि नहीं? यदि एहसास ही नहीं हुआ तो फिर करने की क्या जरूरत? So he says, you all are, we, you know, are all yogis, and you know, if somebody is doing this and somebody is doing that and somebody is awakening the kundalini and somebody is doing something else, well, after all of that, you know, does it actually had an effect? Like, what is it? इसलिए देखिए एक भजन है। यदि गुरु कुमार शिशु कुंभ है और घड़ घड़ काड़े खोट, अरे अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु वो है जो भीतर से सपोर्ट है पर ऊपर से चोट करते हैं, नहीं? The guru is one who supports us from the inside and gives us, you know, hits us from the outside. इसलिए कहा है हमारे मन भावे सदा मन भावे, गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भ्रम की जाल जीव सुख पावे। यदि गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे, गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे पावे। वो जाल से मुक्त कब होंगे या जिन बंधनों से हम बंधे हुए हैं उनसे कब छुटकारा होगा? जब उनके इशारों को समझ लें, उनकी बातों को हम अपने अंदर एहसास कर लें, तो हमारे भ्रम या हमारे जो जिन चीजों से बंधे हुए हैं उसे छूट सकते हैं। So all the things that bind us, we can only let ourselves, we can only free ourselves from this when we are able to actualize in ourselves the teachings of the guru. और सब बंधे हुए हैं। We are all tied up. We are all bound. जिनको संत कहते हैं, जिनको महंत कहते हैं, जिनको ग्रस्त कहते हैं, जिनको विरक्त कहते हैं, जिसको योगी कहते हैं, जिनको सन्यासी कहते हैं, पिंड यदि है तो बंधे हुए हैं किनसे? रूप से, शब्द से, गंध से, रस से और स्पर्श से। पांचों विषय से हम यहां से बंधे हुए हैं और इन बंधनों से मुक्त तब होंगे जब इनसे हम थोड़ा सा ऊपर उठें। So we are all bound by the five senses, and he went over them one by one. We are all bound by them, every single one, no matter who they are. Grihastha is like the housekeeper, house person, anybody. All of us are bound by the senses, and the only way we will free of that is if we rise above. इसलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि उनकी सेन को, उनके इशारों को समझ जाएं। उन्होंने कभी घर छोड़ने का नहीं कहा या जंगल में जाने का नहीं कहा। We were not told to, you know, leave our houses, go to the jungle. या पीले सफेद कपड़े या दो सफेद या अनेक प्रकार के। Or to wear white clothes. वो नहीं कहा। It's not that. केवल मन को पलटने का कहा। इसलिए कहा है गुराज की सेन समझ कर लावे, समझ कर धावे, भाई वो नर संत सुजान जीव उलटावे, अरे वो नर चतुर सुजान मन उलटावे।
समझ कर लावे समझ कर धावे भाई वो नर संत सुजान जीव उलटावे अरे वो नर चतुर सुजान मन उलटावे यदि गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे गुरु काटे भ्रम की जाल जीव सुख पावे क्या करें इसके लिए ए इंगला पिंगला नारी सुखमणा को लावे सुसमणा को धावे भाई अरद उरद रा बीच मन ठहरावे कहां पर अरे अरद उरद रा बीच मन ठहरावे जहां पर श्वास बाहर निकलती है और जहां पर श्वास ऊपर जाती है और ये दोनों जिस स्थान पर जाकर के टकरा करके वापस एक हो जाती है वहां पर मन को टिकाने की बात करते हैं अब बताओ ये कोई गाना है ये तो करने का है नहीं अर्ध और उर्ध का मतलब होता है हमारी श्वास जो बैठती है और ऊपर आती है और इसको यदि देखना हो तो केवल यहाँ देख सकते हैं सब देख सकते हैं जिसमें कोई मजहब की जरूरत नहीं है जिसमें कोई धर्म की जरूरत नहीं है सो द इन ब्रेथ एंड द आउट ब्रेथ वेयर दे कम एंड जॉइन टू दैट पॉइंट दैट इज वेयर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड देयर दैट हैज नो अगेन नो जाति नो नो कास्ट नो रिलीजन नथिंग इट्स एंड वी इट्स नॉट इट्स इट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट और इस इंगला पिंगला ईड़ा और पिंगला कहा गया हमारे जो नाक के दोनों स्वर हैं So Ida and Pingla, you know, we in they are the nadis. इसी को चांद और सूरज कहा. Sun and चांद is moon and सूरज is sun. गंगा और यमुना कहा. Called it गंगा and यमुना. स्त्री और पुरुष कहा. Women and men. तो इस तरह से संतों ने इन भजनों में ये बात कही और ये दोनों यहाँ दो हैं इसलिए कहा पर ये दोनों आगे जाकर के यहाँ एक ही हो जाते हैं फिर मना तो औरत है ना आदमी है न गंगा है न यमुना है न ईड़ा है न पिंगला है न चांद है न सूरज है इसलिए इस चीज को हम कैसे देखें और यदि हम इसको देखेंगे तो फिर क्या दिखेगा या एहसास क्या होगा ये कहा आगे कहा है यदि इंगला पिंगला नारी सुकमणा को धावे सुषुमणा को लावे भाई अर्ध उरध रा बीच मन ठहरावे आया राय उरध रा बीच मन ठहरावे यदि गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे पावे यदि एक खंडित नाद चरा चर धावे भाई सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे यदि एक खंडित नाद चरा चर धावे भाई सकल ब्रह्म के माई वेद यूं गावे अरे सकल ब्रह्म के माई वेद यूं गावे गावे यदि बोले ईश्वर दास भरम ने भगावे भाई शीतल चरणों के माई सदा सुख पावे हाँ शीतल चरणों के माई सदा सुख पावे पावे यदि गुरु सरी का देव हमारे मन भावे सदा मन भावे गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे गुरु काटे भ्रम की जाल जीव सुख पावे गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे एक अखंडित वो चीज जो कभी खंडित नहीं होती वो चीज जो कभी बंद नहीं होती वो चीज जो कभी रुकती नहीं जिस दिन रुक जाएगी उस दिन ये अपना काम करना
बंद कर देगा. वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा गॉड है, वो हमारा देवी है, वो हमारा देवता है, वो हमारा अल्लाह है. जब तक वो नाद है, जब तक नाद, नाद है ना आवाज, एक विशेष प्रकार की आवाज सब में होती है, अखंड. एक भजन में भी कहा कि अखंड साहेब को नाम और सब खंड है, और खंडित मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है. हाँ बेटी. So he is talking about the breath being infinite, something that keeps going on, and the moment it drops, the body stops working. So the word prana is what actually is being spoken about, but it's not expressed in the very way it's actualized, that which cannot be broken. वो चर में भी है और अचर में भी, जो चलायमान हैं आप हम सब और जो स्थावर हैं उनमें भी वो मौजूद है. और ये इसको एहसास यदि करना है, इसको यदि देखना है, तो आप तो बैठते ही हैं सब, अभी भी बैठे हैं, तो अभी बैठ करके कोशिश करो. और वही लोग ध्यान करते हैं नहीं, और ये सब ने कहा, केवल एक एक संत ने नहीं कहा, सब संतों ने कहा. Now that you're sitting and you're always sitting and you're doing your practice, this is the moment to do it and experience it. Like that, this is what all the saints are saying. जबकि हम संतों को भी बांटने लग गए, अच्छा अच्छा ये मुसलमान फकीर है या ये कबीर है या ये गुरु नानक है तो वो अलग है, या नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ है तो बोले ये तो नाथ ट्रेडिशन है, ये तो कबीर ट्रेडिशन है, या उन्होंने कभी ट्रेडिशन विडिशन नहीं बनाया. There was no tradition that there was spoken about. All of them speak the same thing. So we have started dividing it that it comes from here and there, but this is the central message. ये ट्रेडिशन हमने बना लिया. We made this tradition. जबकि वो उनका एक राह था, एक रास्ता था. उस रास्ते को आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, या उस रास्ते को चुन सकते हैं, किसी भी रास्ते को चुनो. रास्ते को चुनो. हाँ. It's just a path that you can choose actively. जैसे मेरे जीवन में ये रास्ता इस तंबूर की वजह से आया. His path is this instrument, tambur. Started with this instrument. क्योंकि इस तंबूर की जो आवाज थी, उस आवाज की वजह से मेरा जीवन में ये बदलाव आया और मैं आपके पास में आया. This is the reason why he is come in our lives. उस समय जिस दिन मैंने पहली बार इस तंबूर को सुना था, उस समय पर मैंने ये नहीं सोचा था कि हम गाएंगे. और मैं चूंकि गायक तो हूँ ही नहीं. okay. हम कोई गायक नहीं है, हम कोई संगीतकार नहीं है, हम कोई बहुत बड़े जानकार नहीं है, परंतु जो इस तंबूरी के आवाज़ ने जो मुझे अंतर में छुआ, तो मुझे लगा कि इसको सीखना चाहिए. मुझे ये मालूम नहीं था कि सीखने के बाद में हम गाने भी लग जाएंगे और गाने के बाद में आप सब हमें मिल भी जाएंगे. He's not a singer or an artist or whatever, but that sound of the instrument touched him so much that he is now being with us and sharing this. और मुझे अब समझ में आया कि ये तंबूरा जो है, वो ये शरीर भी तंबूरा है. This body is like the tambura, the instrument. क्यों? Why? क्योंकि हमारा शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर के बना. Our body is made of five elements. इसमें भी पांच तार हैं. It's also five string. और इन पांच तार में तीन तार एक जैसे हैं. And three of the strings are very same. Similar. ये तीन बीच के तार एक जैसे. और एक ऐसा है. One is. ये दूसरा. ये दूसरा. तो ये पांच तार. तो इसी तरह से आप और हम सबके अंदर भी पांच तत्व और तीन गुण हैं. We have five elements and three gunas. तीन गुण, three qualities, है ना? Three qualities. और वो तीन गुण क्या हैं? What are those three? क्या? सत्व, रज, तमस. आप सब जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा था. पर हमारे यहाँ पर जिसको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण कहते हैं, जिसको आकार प्रकार में दिखाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश बना दिया, तो वो हमारे इस पिंड में कहाँ पर है? Where in our body? अपने शरीर में? Where in our bodies do we find these?
हमारे इस शरीर में इन गुणों की हदें कहाँ पर है, ये विचारनी बात है, ये खोजने की बात है। और जब तक हम इस पिंड के अंदर इन तीन गुणों से ऊपर ना उठें, तब तक हम किसी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, किसी के साथ मारकूट कर सकते हैं, किसी के साथ अच्छी बात कर सकते हैं। These elements when they rise, that is the moment when we act. We might fight, we might say good to someone, we might do anything. तो मैं आपको एक तंबूरे का भजन सुना देता हूँ। So he is going to sing on this instrument now. ये ची पांच तार का जंत्र है ये, पांच तार का जंत्र है, और टूट गए सब तार, जंत्र बेचारा क्या करे रे, जब चला बजावनहार। जब तक ये तीनों तार, इधर भी तार है, इंगला पिंगला और सुषुम्ना के तीन तार हैं, वो जब तक चलते रहेंगे ये यंत्र यानी शरीर रूपी यंत्र काम करेगा। और जिस दिन ये तार टूटे यानी बंद हुए कि ये यंत्र यानी शरीर काम करना बंद, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गत है, मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। The moment this Ida, Pingla and Sushumna, the three major strings break, everything is gone and you're dead. So you're basically gone. तो इसलिए कबीर साहब का एक पद है, तंबूरा सुन ले साधु भाई। अरे पांच तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछुड़ते और बिसर गया सब ठाम। जी के मंदिर बहुत हैं, और वो क्यों है, क्योंकि इस शरीर रूपी मंदिर में भी सबसे पहला स्थान गणेश का है। There are many Ganesh temples all across south of India and they are kept everywhere. That's because there's also one inside us. और गणेश जी का स्थान कहाँ पर? Where is the place in our body? मूलाधार में। The root chakra. या मूल चक्र में। और योगी लोगों ने जब इस चीज को देखा, अपनी यात्रा जब पहले नीचे से उन्होंने शुरू करी, जो कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं या कुंडलिनी को जागृत करने की पता नहीं क्या क्या विधि करते हैं, तो सबसे पहला जो मूल द्वार है या मूल चक्र है वहां पर गणेश का वासा, ऐसा कहते हैं, इस वजह से गणेश की पूजा होती है। So we worship Ganesh ji because that's where the yogi's kundalini process begins. और इसीलिए कबीर यहाँ पर कहते कि पहले किनको, माने प्रथम गणपति देव, तो गण का मतलब होता गुण, क्वालिटीज या गुण, गुण का एहसास करने के लिए सबसे पहले इधर से होते हैं, और फिर शारदा, शारदा का मतलब सरस्वती। So we first realize the guna and then we go to Saraswati. और सरस्वती का मतलब होता स्वर। Swar means the sound, the rhythm. और इस स्वर की वजह से आवाज होती है।
the sound happens because of this rhythm. और वो सब में होती है. And it happens in everyone. इसलिए इसको यूं भी कह सकते हैं. So it's also said. हाँ प्रथम गणपत देव ने सुमरा सुमरा स्वर कमाई हाँ दर्शन देवो गुरु परसन हो जो दर्शन देवो गुरु हाँ परसन हो जो या हीर देही मत आई तंबूरा हाँ सुन ले साधो भाई तंबूरा रे जब इससे थोड़ा ऊपर उठे तो क्या होगा हाँ पांच तत्व का बन्या रे तंबूरा हाँ तीन गुण तार मिलाई हाँ पांच तत्व का थारा बनिया तंबूरा रे तीन गुण तार मिलाई क्या करें हाँ ओ हम सो हम रटने को लागा हाँ ओ हम सो हम ए रटने को लागा या निर्गुण राह बतलाई तंबूरा हाँ सुन ले साधो भाई तंबूरा रे सुन ले साधो भाई वो तेरा किया रे करम छूट जाई तेरी लख चौरासी कट जाई तंबूरा हाँ सुन ले साधो भाई तंबूरा रे ये निर्गुण की राह है और इस निर्गुण की राह में वो कहते हैं कि अनेक तरह के नामों से कोर हर इंसान कुछ न कुछ करता है अनेक तरह के लफ्जों को के प्रति श्रद्धा है और वो उस परमात्मा के नाम के रूप में अपने जीवन में उसका एहसास करने की कोशिश करता है परंतु परमात्मा लफ्ज नहीं है शब्द नहीं है वो अनुभव है सो दिस इज द पार्ट ऑफ फॉर्मलेस एंड वी हैव गिवन आवर नेम्स वी हैव आवर ओन पार्ट्स एंड वेज इन व्हिच वी एक्सपीरियंस तो इसलिए इट्स नॉट अ वर्ड इसलिए वो कहते हैं कि ये पांच तार का तंबूरा बना है जिसमें तीन गुण हैं और इसमें ओहम और सोहम एक शब्द जो उठता और बैठता है हमारी श्वास उसको ओहम और सोहम कहा जाता है ये निर्गुण है जिसको श्वास को एहसास किया जा सकता है श्वास को बांटा नहीं जा सकता इसलिए निर्गुण वो है जो सबके लिए एक जैसा है और इस चीज का ये एहसास करें तो कहाँ पर करें उसको देखना है तो कहाँ पर जाएं तो हम जो बाहर जा रहे हैं मंदिर में मस्जिद में तीर्थ में व्रत में पूजा में पाठ में वो प्रारंभिक अवस्था जरूर हो सकती है परंतु इन सब करने के बाद में आपको इधर ही आना पड़ेगा यानी इसका एहसास हर इंसान के अपने इस पिंड के अंदर ही होगा ऐसा कहा अच्छा the experience of the breath you know we have to come back to that experience of the breath within us And we can go here and there, you know, with all these words, you know, the different religions, we can go to temples or this or that. That may be your first, the first step. But always then you have to come back to your own, the breath in your own body. And for that, what we all have in our body, what
तो इसमें रमना पड़ेगा, आप रमीजा इसमें रमना पड़ेगा, इसमें खेलना पड़ेगा, इसमें इसमें प्रवाहित होने वाली चीज के साथ जुड़ना पड़ेगा। और जब इसमें रमेंगे तो अनघड़, जिसको घड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि पिंड तो घड़ा हुआ है परंतु जो वो है उसको नहीं घड़ा जा सकता, उसका एहसास होगा नहीं। तो इसलिए कहा है, अच्छा कुछ कहना है, अब कुछ मत कहो। हाँ आप रमीजा आरंभ रचिया, रचियो घट के रमाई। हाँ आप रमीजा आरंभ रचिया, रचियो घट के रमाई। हाँ गगन मंडल में थारो बाजे रे तंबूरो, गगन मंडल में थारो हाँ बाजे रे तंबूरो। यहाँ दस में द्वार ठहराई तंबूरा, हाँ सुन ले साधो भाई तंबूरा रे, सुन ले साधो भाई। तेरा किया रे करम छूट जाई, तेरी लख चौरासी कट जाई हो, सुन ले साधु भाई तंबूरा, हाँ सुन ले साधु भाई। आगे कहा है, हाँ अनघड़ सुधा घड़ियो तंबूरो, घड़ियो घाट घट माही। घड़ियो तंबूरो रे, घड़ियो घाट घट माई। और तंबूरा कैसा बजता है सब में, हाँ रुण झुण रुण झुण बाजे रे तंबूरो, साधु भाई तंबूरा रे, सुन ले साधु भाई। हाँ दास कबीर ने गायो रे तंबूरो, सब संतन के रमाई। कबीर कहते हैं खुद को के दास कबीर ने, परंतु अब तो कबीर है नहीं, हमारे मुंह से निकल रहा, इसलिए हाँ साहेब कबीर ने यो गायो रे तंबूरो हो, सब संतन के रमाई। हाँ ज्ञान गरीबी पायो रे तंबूरो, सुन ले साधो भाई तंबूरा रे, सुन ले साधो भाई। वो तेरा किया रे करम छूट जाई,
इसमें एक अंतर में वो ये कहते हैं कि अनगढ़ सुधा घड़ियों तंबूरो और घड़ियों घाट घट माई, हर इंसान के इस पिंड के अंदर वो तंबूरा सदगुरु का बज रहा है। और वो कैसे बज रहा है? रुण झुण मने एक एक झीणी सी, एक मीठी सी, एक नाद, एक आवाज सब में होती है। That Jeannie said, very delicate voice is in everyone. और उस तंबूरे को सुनने के लिए and to listen to that tambura, यानी इस ये जो शरीर रूपी तंबूरा है इसको यदि सुनेंगे तो क्या करें? So if we have to listen to the tambura which is our body, so what should be done? थोड़ी देर के लिए सुने? Shall we listen to it? हम चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए इसको सुने। देखिए, जितने भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत ध्यान और जब सब कुछ करते हैं, ये सब करने के बाद में जो एहसास होता है उसके लिए वो क्या होगा? वो तंबूरे को सुनने के लिए होगा। ये तंबूरा नहीं, ये तंबूरा तो आप लोगों को रिझाने के लिए है। इस तंबूरे को सुनने के लिए क्या करें? तो भी थोड़ी सी देर के लिए करें। To listen to that tambura, the tambura inside us, you know, when we go here and there to temples and this and that and all that, the whole point is to hear that sound of the tambura. And not this tambura. This tambura is only here for us to, you know, to rijhau, how would I, entertain, exactly. It's this tambura is there to entertain us. But we have to go to the tambura inside ourselves. तो मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा। So I would request all of you. दो मिनट के लिए आप जैसे बैठे हैं उसमें ऐसा कोई जरूर नहीं कि आप पद्मासन लगा करके बैठे, कि आप उद्यानासन बंद लगा करके बैठे, कि आप और जमाने भर के जितने भी आसन हैं उसको लेकर के बैठेंगे। आप जैसे बैठे वैसे बैठे। Just as you are sitting here, don't try to make a पद्मासन or this or that here. Just in the position that you are sitting in now. हाँ, बैठ करके आप इधर से उठ करके इधर आ जाओ और थोड़ी सी देर, यदि आंखें खुली है तो यहाँ देखें और आंखें यदि बंद है तो यहाँ पर देखे भी से और यहाँ पर सोचें और बिल्कुल देखें कुछ सुनाई देता कि नहीं देता है। ये जो कह रहे हैं जितने भी, ये गलत है कि सही है? तो दो मिनट के लिए आप जहाँ पर जैसे बैठे हैं वैसे एकदम शांत होकर के अपने आप को सुने, देखें क्या सुनाई देता है कि नहीं देता है, इसका एहसास करें प्लीज दो मिनट के लिए। सो फॉर जस्ट टू मिनट्स ही इज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ अस टू लिसन टू आवरसेल्व्स एंड सी इफ व्हाट ही इज सेइंग इज ट्रू। ठीक है साहेब, साहेब बंदगी।
Soham, Shivoham, Om, Omkar, जो भी आपको शब्द अच्छा लगता हो, बस मैं केवल ये निवेदन करना चाह रहा था इस रूप में कि इस पल के अंदर आपको जो भी सुनाई दिया हो वो आप जाने। मैं अब उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि आपको यूँ सुनाई देना चाहिए या आपको ऐसा सुनाई देना चाहिए या आपको ऐसा देगा। ये यदि हम कहेंगे तो आपको भ्रम पैदा होगा। वो इसलिए होगा कि यार उन्होंने तो ऐसा कहा था, हमको तो ऐसा सुनाई दिया ही नहीं। सुनाई ज़रूर देगा, ये बिल्कुल पक्का है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आपको सुनाई देगा, और सबको, जिसमें कोई जमाने भर के ढोंग ढकोसले करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या सुनाई देगा वो आप जाने, और आप निश्चित रूप से उसको जानेंगे। ये है, और इस उसको सुनने के लिए है ना, जमाने भर का जो कुछ कहते हैं ना, बहुत सारे माला लेकर के करते हैं, वो भी करें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। परंतु उस अवस्था के लिए फिर ना तो कोई माला फेरने की ज़रूरत है और ना कोई मुँह से बोलने की ज़रूरत है। आपको जब बैठें तो आप राम राम या ओम या सोम या फलाना और ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको जीभ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप होंठ कंठ हिलाने की ज़रूरत नहीं है। सुमरण वो होता है जो केवल वो किया नहीं जाता, वो होता है और सब में होता है, ऐसा कबीर कहते हैं। तो मैं अंतिम में एक पद आपको और सुना देता हूँ, उसके बाद में शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि समय हो गया और आप लोग समय के ज़्यादा पाबंद हैं, तो इसलिए वो सुमरण जो होता है सब में, उसके बारे में कबीर का क्या थीम है, कबीर का क्या सोच है। कबीर कहते हैं कि वो सुमरण एक न्यारा संतो, वो सुमरण एक न्यारा, हाँ, और जिस सुमरण से पाप कटे है होवे भूजल पारा। एक भजन और करेंगे, मीता कुछ कहना चाह रही हैं। कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आपने इतना सारा बोल दिया शैला जी। So, he said, you know what we all heard in ourselves, that is our experience. So he's not going to tell us that you should have heard this or should have heard that or any of that. That's a very, very personal experience of each one, what we hear inside. And that you don't need, you know, you don't need to do all this. You know, some people jap the mala, they do jap, and all of that is not necessary. I mean, he doesn't have a problem if people do that, but it's not actually necessary because this is inside. Patrick ji aaye hai na? Patrick, maine dekha nahi Patrick ko. Prahlad ji, Patrick is here? या पैट्रिक के दांतों का कोई प्रॉब्लम है तो अच्छा, हाँ। और प्रहला जी, मेरी से एक भूल हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, आई ओनली इंट्रोड्यूस प्रहलाद जी। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट राइट नेक्स्ट टू प्रहलाद जी देयर इज हिमांशु, एंड दिस इज प्रहलाद जी पोता, हिज सन हिमांशु, and his father Ajay, whom we know very well, you know, plays dholak, and now we see Himanshu playing dholak, and he's come to Auroville for the first time, and also Priyal. So I want to introduce Priyal, and Priyal is from the US, and he discovered Prahlad ji just about a year or so ago, and he just decided to come and accompany Prahlad ji on this trip is going to take Prahlad ji. He came flew from Indore to Chennai to Pondi, Auroville, Tiruvannamalai, and then Bangalore and whatnot. So Priyal actually has been Prahlad ji's driver. And thank you, Priyal. ओरल ट्रेडिशन, कम से कम एक व्यक्ति 300 साल का साक्षी होता है। जो ओरल चीज़ें जिंदा है मानव समाज में, वो और जो ओरल ट्रेडिशन वो है जिसमें लोगों ने जो अनुभव किया, उनके जीवन में जो एहसास हुआ, वो बात करते हैं। सो ओरल ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, दैट इज व्हाट इज ट्रांसमिटेड इन द ओरल ट्रेडिशन। It is people's experience. वो केवल पढ़ना नहीं है। We don't study that. वो एहसास का विषय है। You have to experience it yourself. तो मैं निवेदन कर रहा था अंतिम में, वो सुमरण एक न्यारा, और आपने कल कहा था वो मोहे सुन सुन आवे हाँसी पानी में मीन,
ऐसे हाँ मैं तो तेरे पास में, वो तो सब आपके पास में है, इसलिए उसको खोजने की जरूरत अब नहीं है। तो सुमरण की बात चल रही थी, तो कबीर सुमरण के बारे में कहते हैं, ए जी सुमरण की सुधियों करो, कैसे सुमरण की सुधियों करो, और जो गागर पणिहार वहां ले डोले सूरत में, और कहें कबीर विचार। गांव में पानी भरने के लिए जब माँ बहनें पानी भरने जाती है तो उनके सिर के ऊपर मटका होता है, दो मटके रहें, और दूसरी भाई बहनों के सिर के ऊपर भी यदि मटका है भरा हुआ, और यदि कोई बात करने लगती है तो हाथ छोड़ करके बात कर लेती है, वो बात करती रहती, परंतु उनकी सुरती जो है वो उस मटकी के ऊपर ही होती है। यदि उनकी सुरती मटकी से हटी कि मटकी फूटी, तो ऐसा सुमरण होना चाहिए। So the woman who walks with the pot of water on her head, she is happily talking to the person next to her, and she is walking along with the, you know, the pot on her head, and but all the time her attention is on that pot. The moment that her attention drops from that pot, the pot falls. So that is how our sumiran should be. How our, I don't know, can't. तो ऐसे सुमरण के लिए वो ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा क्या होना चाहिए? ऐज सुमरण ऐसा कीजिए, और खरे निशाने चोट, अरे सुमरण ऐसा कीजिए, तेरे जीभ हले ना होंट। जीभ और होंट हिलना नहीं चाहिए, होंट कंठ हाले नहीं, होंठ कंठ हाले नहीं, और जिभिया नाम न उचार। अरे जो नर शून्य में सुमरण करे, और वो ही हंस हमार। वो ये कहते हैं कि सुमरण करने के लिए तेरे जीभ और होंठ और कंठ और कुछ हिलना डुलना नहीं चाहिए। जो ऐसा शून्य में रह करके उसको याद करता है, उससे जुड़ा रहता है, वो है सुमरण। सुमरण राम 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 राम, सतनाम सतनाम, ओम ओम ओम, सोम सोम, जो जो करते हैं ऐसा करते हैं, वो उतना लेखे में नहीं लिखाएगा। प्रारंभिक स्थिति में जरूर आपके मन कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, परंतु वो उतना सार्थक नहीं है, ऐसा संतों का कहना है। सो रियल कॉन्सेंट्रेशन डजंट, सुमिरन इज मच मोर देन दैट, बट आई एम हैविंग अ डिफिकल्टी ट्रांसलेटिंग सुमिरन। But you know, it's the concentration, the is prayer. There you go. It's prayer. So for that, you don't need to move your tongue and your lips. There's no need for words. There's no need for that japping. Nothing. It is inside. और उसको जपने की जरूरत नहीं, वो सब में है. And it is in everybody. You don't need to repeat it. अजपा सुमिरन घट विषय, अजपा जिसको जपने की जरूरत, अजपा सुमिरन घट विषय, हर इंसान के इस घट में मौजूद है। अजपा सुमिरन घट विषय, और दीना सृजनहार जिसने सबको सृजित किया। ताही से मन लग रहा, कहें कबीर विचार, कबीर ये कहते हैं। तो इसलिए वो सुमिरन कैसा है देखिए, एक भजन में आखिरी में, संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे, हाँ हाँ वो सुमिरन एक न्यारा रे, संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे है। अरे जिन सुमिरन से पाप कटे हैं, जिन सुमिरन से
पाप कटे हे हो वे भव जल पारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे हे हाँ माला न कर मुख जिब्या न हाले आप ही हो तो उचारा रे ओहो माला न कर मुख जिब्या न हाले आप ही हो तो उचारा रे अरे सब ही के घट रचना रे लागी सब ही के घट रचना रे लागी तू क्यों नहीं समझे गवारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे अरे वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे कैसा है वो अरे अखंड तार टूटे नहीं कब हूं सोहम शब्द उचारा रे अरे अखंड तार टूटे नहीं कब हूं सोहंग शब्द उचारा रे अरे ज्ञानाख कोई सदगुरु खोले ज्ञानाक मोरे सदगुरु खोले अरे जाने गजानन हारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे अरे वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे और इस सुमिरन को खोजने के लिए चाहे जिधर घूम फिर लो वहां पर नहीं मिलेगा चारों दिशाओं में सब दूर घूम फिर करके आ जाओ आना अपने इस निज घर में आना पड़ेगा इस पिंड में आना पड़ेगा इस शरीर में आना पड़ेगा इसलिए कहते हैं अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में पचहारा रे हे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में पचहारा रे अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो हाँ कहे कबीर सुनो भाई साधो ऐसा शब्द ले वो टक सारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे हे वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे अरे जिन सुमिरन से पाप कटे है जिन सुमिरन से पाप कटे है हो वे भव जल पारा रे संतों वो सुमिरन एक न्यारा रे हो वो सुमिरन एक न्यारा रे ओहो वो सुमिरन एक न्यारा रे आप सबका बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए मीता जी को और स्मिता जी को जिनकी वजह से आप सबके दर्शन हुए आप सबसे मिले और आप सब ने अपने आप के लिए जो समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और वंस मोर अच्छा मैं
देखिए मैं मुझे ये मालूम पड़ा कि आप लोग बहुत समय के पाबंद हैं, नहीं तो मैं तो पूरी रात भर गा सकता हूँ. अच्छा अच्छा तो आप ये बता दो कि देखो स्मिता और मेरी हल्के गाड़ी हाँ. अच्छा अच्छा ठीक तो ठीक है, आप भी अपनी गाड़ी हाँको और हम भी अपनी गाड़ी हाँक रहे हैं इस भजन के मार्फत. मैं उससे पहले प्रहलाद जी मैं जरा बता दूँ ना वर्कशॉप वगैरह के बारे में. अच्छा अब पहले आप निर्णय कर लो कि एक के दो. अच्छा प्रहलाद जी हम जरा वर्कशॉप वगैरह के बता दें, गुरु पूर्णिमा वगैरह है ना, गुरु पूर्णिमा के और फिर वर्कशॉप और किताबें. हाँ विल जस्ट बिफोर ही डज द लास्ट थ्री जस्ट सो वी फिनिश ऑफ द अनाउंसमेंट्स बिफोर इज नाउ देयर वंडरफुल पीपल लाइक दीपा एंड अदर्स एंड स्मिता एंड ऑल हु हैव एक्चुअली रिटन डाउन दीज ओरल songs, you know, like he said, it's an oral tradition. These songs are actually not done. So many people have contributed to actually write this down so that it can spread further, right? So we have, it's obviously in Hindi. And so you have all of these are two new and there's one coming thanks to Smita. So if you want to buy these, those who know Hindi can definitely buy them and, you know, learn the songs. Also, I want to say that we made a recording and if those, hopefully it will have come out. So all those who want to listen to this music and, you know, also maybe follow along, just contact the Language Lab after. Yeah, we'll have it. And then there's wonderful thing in Guru Purnima, kab hai Prahlad ji? 8th July. Guru Purnima, 3 July. 3 July. So on the 3rd of July is Guru Purnima. And in Lunia Khedi, so this is an invitation to come to go to Lunia Khedi. It's a marvelous place. And for Guru Purnima, there will be an all-night satsang for Guru Purnima. And Prahladji receives thousands of people there on that day. And it's a marvelous experience. So for details also, you can contact me later. And then there's a workshop. So for all of us to learn the meaning of this, to learn the bhajans and also then to discuss about the meaning, there is a workshop that's been organized. Aur wo kab hai, Himanshu? 12 se 16 July, August. So 12th to 16th August, one can go to Lunia Khedi and there will be a workshop. There'll be a workshop on this. There we go. Aur kuch? Smita, aur kuch? Bhajan books, I told. Bas. 3 July ko Guru Purnima hai. Hamara jo gaon hai wo Madhya Pradesh mein Indoor ke paas mein hai. Indoor se lagbhag 100 kilometer dur hai. Aur Ujjain se 30-35 kilometer dur hai. So his village is about... Aur wahan railway line hai. Maksi jagu hai jahan par... से क्रॉस होती है भोपाल जाने के लिए. तो आप सब रेलवे लाइन एट मक्सी आमंत्रित हैं. और वो जो वर्कशॉप के बारे में, तो हर साल 5 दिन के लिए एक वर्कशॉप होता है जिसमें सब लोग वहीं रहते हैं, वहीं सब खाना पीना रहना सोना वहीं पर. और दिन में ये कार्यक्रम दिन भर होता है, रात में भी होता है, चर्चा होती है इस तरह से. जो भी यदि आना चाहे तो आप आ सकते हैं. So anybody who wants to come can come. Everybody lives together and spends the day in this music, learning this music, immersed in it. एक जगह पर कहा कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो इसमें नहीं मुजाका है, और दिल इनका मत तोड़ो प्यारे ये घर खास खुदा का है. तो इस वजह से है, और एक भजन हम सुना देते हैं. ए जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, ए जी माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल हो.
तो एक ही साध है सब सधे और सब साध है इक जाई यदि माली सींचे मूल को तो फूले फले अघा। हमारे इस शरीर का मूल यानी पूरी मानव मात्र का मूल वो है जिसकी वजह से ये मौजूद है, जिसकी वजह से आप और हम सब काम करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मूल को सींचो। हमारा इस पिंड का मूल हमारी श्वास है। इसको जिसने सींचा यानी इसकी जिसने हिफाजत करी, इसको जिसने संरक्षित और सुरक्षित रखा, उसका जीवन सफल और सार्थक होता है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए अंतिम में हो जा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल, यदि हाँ करण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भैया, हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम हो, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, ये गाड़ी कहीं अटक न जाए इस भौतिक संसार की चकाचौंध में या विषय वासना की गहरी नदियों में। इसलिए कहा है या गाड़ी अटकी रेत में भाई मजल पड़ी है दूर, या गाड़ी अटकी रेत मेरे भाई मजल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर जाने पापी चकना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। जब उसके घर की टूट जाएगी नी तो कोई जड़ी बूटी या दवाई काम नहीं आती है, आप जानते हैं। कोरोना के समय में कितना क्या हुआ आप सब वाकिफ हैं। इसलिए कहा है ये जी देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी, वाह जड़ी बूटी तेरे काम ना आई जद राम के घर की टूटी भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले।
वाले और जब ऐसा होता है तो तुरंत क्या करने लगते हैं कहते हैं चलो चलो जल्दी करो इस शरीर से अपन कितना लगाव है कितना उसको सजाते हैं संवारते हैं कितना प्रेम करते हैं और केवल श्वास बाहर गई और वो वापस नहीं आई तो चलो चलो जल्दी करो इसको ले जाओ अरे और रख लो 8-15 दिन कोई नहीं रखता है और वो माटी मिला और मिला पवन में पवन और मैं तुम्हें पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन इसको चलाने वाला कभी मरता नहीं है वो अमर है इसीलिए कहा है कि देह मरे जीव अमर है और पार ब्रह्म है सोए और अज्ञानी भटकत फिरे लखे सो ज्ञानी होए हम सबको चलाने वाला कभी मरता नहीं है वो अमर पुरुष है वो प्राण पुरुष है वो सदगुरु है वो राम है वो अल्लाह है ईश्वर है जो आप कहते वो है इस वजह से जैसे ये ऐसा हुआ यानी ये सौ बन गया शिव शिव का मतलब आप सब जानते हैं पूजा पाठ करते हैं और शिव में ई की मात्रा अलग हटा दो शक्कर में जो ई की मात्रा है उसको अलग हटाया यानी ईश्वर को अलग किया सौ बचा डेड बॉडी बच गई खत्म हो गया इस वजह से वो कहते हैं आगे हो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले यदि चार जना मिल मतो उठायो बांधी काठ की घोड़ी बनायो बांधी काठ की घोड़ी और ले जाके मर घट पे रखिया फूक दिनी जैसी होली भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम परंतु दुर्भाग्य कहिए यहां पर तो डेड बॉडी को जलाने के लिए भी झगड़ा होता है कि यहां पर इनको नहीं जलाना है वहां पर उनको नहीं जला सकते हो ये हालत है और हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं ये विचारने विषय नहीं है इसलिए आखिरी में कबीर कहते हैं इस शरीर के बारे में वा बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी हा बिलख बिलख कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई है मेरी जोड़ी कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो मेरे इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस सभा को हम विराम देंगे
और मैं पुनः आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाला और खुद के लिए निकाला और हमारे लिए निकाला। हमारे लिए इसलिए निकाला कि आप सबके दर्शनों के वो, और खुद के लिए इसलिए निकाला कि खुद हम अपने आप से जुड़ जाएं। तो मेरा केवल एक ही निवेदन है कि आप और हम जब भी समय मिले खुद अपने आप को सुनने का प्रयास करिए, और सुनने के लिए अनुकूल समय हमेशा है, क्योंकि वो हमेशा चलता है, वो कभी बंद नहीं होता। और एक स्थिति जब ऐसी आएगी कि जब साक्षात्कार होने के बाद में फिर कभी भी हम उससे अलग नहीं रहेंगे, फिर करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा उससे जुड़े रहेंगे, और वो फिर वो चेतना देता है कि हमारा कदम इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। इसलिए एक सीधी राह के राहगीर हम बन सकें, इसके लिए संतों के वाणी में ये बात है। संतों की वाणी कोई मजहब या धर्म या संप्रदाय में नहीं बांटता या दायरा नहीं बनाता। इसलिए मैं पुनः आप सबका बहुत विनम्रता के साथ में आपका साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।